नीमच जिला मुख्यालय के नजदीक के रेवली देवली गांव के किसान मनोज नागदा ने जब एक गजब दवाई छिड़की कि मेरे खेत से खरपतवार नष्ट हो जाएगा, लेकिन जब कुछ दिनों बाद इस किसान के साथ इस दवाई ने अजब गजब खेल कर दिया और 10 बीघे से अधिक की जमीन के सोयाबीन की फसल देखते ही देखते सूख गई। अब यह किसान पहले बीज भंडार तथा अब गुहार लगाकर इन अधिकारियों के पास दौड़ लगाई तो अधिकारियों ने तुरंत ही कार्यवाही करते हुए दूसरे दिन खेत पर पहुंचकर खेत का मुआयना किया तथा पंचनामा बनाया। अब कल एक वैज्ञानिकों का दल खेत का निरीक्षण करेगा तथा खेत की नुकसानी का भी आकलन करेंगे। आप भी देखिए इस खेत का हाल। जय किसान बीज भंडार से ये दवाई लाए थे तो परसों दवाई मांगी तो वो बोले कि ये गजब ले जाओ, ये अच्छी दवाई है। तो ये दवाई लाके हम लोगों ने छिड़काव किया तो ये तो बिल्कुल खड़ बिल्कुल खराब ये नहीं हुआ और सोयाबीन बिल्कुल सूख गई अपनी। और वापस उनको कहने गए तो उन्होंने बताया कि मैं तो 10-20 रुपये कमाने बैठा हूँ, मैं क्या करूँ, सूख गई तो आएंगे वो कंपनी वाले और देख के चले जाएंगे। ये मतलब हम लोगों ने 21 तारीख को दवाई खरीदी थी और फिर वो पानी आ गया तो टाइम इन कोई दवाई वाला छिड़कवा वाला नहीं मिला, तो फिर हम लोगों ने ये सोमवार के दिन दवाई छिड़की थी तो आज 10 दिन हो गए दवाई छिड़के हुए को। और बिल्कुल मतलब दवाई छांटने के बाद ये 10-11 बीघा की सोयाबीन बिल्कुल ख़त्म हो गई। मेरा नाम मनोज नागदा, गाँव रेवली। यहाँ पे कल ग्राम रेवली देवली के किसान अपने ऑफिस में आए थे, उन्होंने शिकायत की थी कि जय किसान बीज भंडार से वो गजब नाम की खरपतवार नाशी ले गए थे जिससे उनकी फसल में नुकसान हुआ था। तो उन्हीं का निरीक्षण करने हम ग्राम सेवक और मैं SDO आज इनके खेत पे आए हैं। तो नुकसान दिख रहा है, 50% से ज़्यादा का नुकसान हुआ है, तो उसी संबंध में पंचनामा बनाया गया है और इनका कथन ले रहे हैं। कल मैं भी कृषि वैज्ञानिक और SDO श्री बर्मन सर ये आने का है उनकी टीम का, तो कल और अंतिम डिसीजन लिया जाएगा, तो जो भी होगा उसके कार्रवाई का बाद में पता लगेगा। शिवराज सिंह राठौर, कृषि विकास अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड नीमच। नीमच से मोहन नागदा की ये रिपोर्ट।